हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका मिश्रा फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी सुबह की चाय बन रही है, मैं अपने लिए भी चाय बना रही हूँ, बाकी सब लोग सो रहे हैं। और यहाँ मैं थोड़ी सी तलूंगी साबूदाने के चिप्स। ये साबूदाने के चिप्स हमने होली के टाइम में बनाए थे, जो कि थोड़े से अभी बच्चे थे, तो आज उनका हैप्पी एंडिंग है। आज थोड़ा सा बचा था तो हमने कहा आज इनका हम तल लेते हैं। ये मेरे चिप्स तल के निकल लिए हैं और मैं अपनी चाय भी छान ली है। और आप सबको दिखा दूं कि ये चिप्स हमारे बहुत ही अच्छे बने थे, कुरकुरे मुलायम। हमें चाय के साथ चिप्स बहुत अच्छा लगता है, घर के बने हुए चिप्स। उसके बाद हम चाय पीने के बाद बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ते में आज हम बना रहे हैं अप्पम। हमने सांचों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया है और इसका हम घोल तैयार करेंगे। घोल में हमने थोड़ा सा चावल का आटा, सूजी, दही और थोड़ा सा बेसन, सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हाथ से मैश करके हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम सांचों में भरेंगे, भर के एक अच्छा सा कम तेल में बना हुआ हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। ये देखिए, हमने इनको सांचों में भर दिया है। अब इसको हम ढक देंगे, 7 से 8 मिनट तक इसको हम ढक के पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन खोल के 5 मिनट के लिए हम फिर से इनको पका लेंगे। इसी तरह हम सारे अप्पे को पलट देंगे चाकू की सहायता से और 5 मिनट के लिए हम इसको फिर से ढक देंगे। और इसकी आंच एकदम हमको धीमी करना है, एकदम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और ये देखिए, मेरे बहुत अच्छे ही फूल फूल के अच्छे से बन गए हैं। आप सब देख सकते हैं कितने मुलायम और फूले फूले अप्पे बने हैं। इसको हम चाय के साथ सबको देंगे। और ये हमने उड़द की दाल सुबह भी बो दिया था, तो दोपहर तक मेरी उड़द की दाल फूल गई थी और हमने इसको साफ कर लिया है। आज हम बनाएंगे उड़द दाल की कचौड़ी। तो हम इसको पहले मिक्सर जार में पीस लेंगे और उड़द दाल के साथ ही हम इसमें पीसते समय हींग भी डाल देंगे। तो हींग को हम दाल में डाल के, जार में डाल के पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने दाल को पीस लिया है, हमने पानी नहीं डाला था, थोड़ा सा भी सूखा ही पीसा है। दाल को पीसने के बाद हम आटे को छान लेंगे। आटा छानने के बाद आटे में हम मिलाएंगे थोड़ा सा हल्का सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा हम इसमें सरसों का तेल डाल के आटे को गूंथ लेंगे। आटे को हमको ऐसे गूंथना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मुलायम एकदम नरम भी नहीं करना है। जैसा कचौड़ी की पीठी रहे वैसे ही आटा हमें बनाना चाहिए। और इधर हमने गैस पे तेल रख दिया है, पर अभी गैस को ऑन नहीं किया है। पहले हम इनको बेल लेंगे, भर लेंगे कचौड़ियों को, उसके बाद हम धीमी आंच पे कचौड़ियों को तलेंगे। तो हम दाल में डाल देंगे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है अमचूर पाउडर। उसके बाद इन सबको हम मिक्स करके उसके बाद बनाएंगे कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी
उड़द दाल की कचौड़ी। अगर आप लोगों को पसंद आए ज़रूर बताइएगा। और इधर हमने थोड़े से पूड़ी बेल लिए हैं, हमने सोचा थोड़ी सी पूड़ी बना लें, जिसको पसंद आएगा कचौड़ी के साथ दो दो पूड़ी भी ले लेगा। और हमने बनाई थी आलू प्याज टमाटर की रसेदार सब्ज़ी, उसी के साथ हमने बनाई थी कचौड़ी। और अब हम कचौड़ियों को भर रहे हैं। इसी तरह हम सब में थोड़ा थोड़ा पीठी डाल के भर देंगे। और भर के इसको हम बंद कर देंगे, बंद करके इसको बेल लेंगे। तब हम इसको कढ़ाई में डाल के छान लेंगे। तो ये देखिए हमने सब कचौड़ियों को भर के हल्का हल्का बेलन से बेल लिया है। अब चलिए इसको हम छान लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया है, सरसों के तेल में हम कचौड़ियों को बना रहे हैं। कचौड़ियों को हम धीमी आंच पे ही तलेंगे, धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है लेकिन अंदर तक वो पक जाती हैं, क्योंकि उड़द दाल हमने कच्ची उसमें पीस के भरी है, उसको हमने भूना नहीं था, तो इसलिए हमें धीमी ही आँच पर ही कचौड़ियों को तलना चाहिए जिससे कि अंदर तक दाल पक जाए। तो चलिए फिर हम तल लेते हैं इनको अच्छे से। और फ्रेंड्स एक बात और, जब भी आप कचौड़ी बनाएं और उसको कढ़ाई में डालें तो जिस तरफ से हमने उसको बंद किया होता है उसी तरफ से हमें कढ़ाई में उसको डालना चाहिए, तो इससे कचौड़ियाँ फूटती नहीं हैं और अच्छे से पक जाती हैं। और ये देखिए मेरी कचौड़ी कितनी अच्छी फूल के बढ़िया बन गई है और ये फटी भी नहीं है एक भी। तो फ्रेंड्स आपको हमारी कचौड़ियाँ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आज आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमें आपको एक बार और दिखाते रहे हैं कि हमने जिस तरफ से कचौड़ियों को अपने भरा था उसी तरफ से हम उसको कढ़ाई में डाल रहे हैं। और आज को हम धीमी ही किए हुए हैं। और ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ गर्मा गर्म कुरकुरी खस्तेदार कचौड़ियाँ आप सबके लिए हाजिर हैं। आप भी बनाइए और टेस्ट करिए कैसी लगी कचौड़ियाँ। तब तक के लिए अगले ब्लॉग को देखने के लिए बाय बाय।